भाई बाहर का खा खा के ना पेट की बैंड बज गई है, तो अब पेट की हालत को ठीक करना है। इसलिए आज देखो एकदम पौष्टिक आहार, ब्रेकफास्ट में साबूदाने की टिक्की और साबूदाने की खिचड़ी है। उस दिन पेट को रेस्ट देना है भाई, घर का खाना ढंग से आराम से बिल्कुल खिचड़ी और साबूदाना और बिल्कुल माइल्ड खाना खाना है, ताकि पेट वापस से ठीक हो सके। एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम मजा आ गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जा रहा हूँ मैं अपनी इकोस्पोर्ट की सर्विस कराने, और उसके बाद फिर एथर लेने जाऊंगा। तो आज दिन भर का आपको शेड्यूल जो है आज व्लॉग में दिखाऊंगा, पहले फोर्ड की सर्विस और फिर एथर लेने जाएंगे वो भी। भाई राजा पार्क की मार्केट सुबह सुबह खाली पड़ी है एकदम, इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं। यही शाम का टाइम होता तो भाई यहाँ पे तो काम रखने की जगह भी नहीं मिलती, गाड़ी निकालना तो बहुत दूर की बात है। एक तो भाई जब मौसम चेंज होता है ना, तो मेरे साथ बड़ी समस्या हो जाती है, छींक पे छींक, और ऐसा हो जाता है जैसे जुकाम हो गया है जब भी मौसम चेंज होता है, और बड़ी विकट समस्या है। बचपन से यही है समस्या, इसका कोई इलाज भी नहीं दिख रहा है। जिन भाई लोगों ने ना भाई अभी तक द रेडर्स क्रू को फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पे द रेडर्स क्रू को फॉलो करें। जो इस तरह से लटक के जा रहे हैं ना भाई, ये तो सेफ नहीं होता बिल्कुल भी। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई, थोड़ा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, एक मिनट का टाइम लगता है इस तरह का कोई भी हादसा होने में। तो भाई 9:30 पे पहुँच गया हूँ मैं KS फोर्ड मालवीय नगर के सर्विस सेंटर पे। 9:30 पहुंचना था, 9:38 पे पहुंचा हूँ, थोड़ी सी कमिटमेंट लेट हो गई। वीडियो बनाने की वैसे तो इनसे परमिशन ले ली थी, लेकिन अभी मुझे आज सुबह ही पता चला कि भाई अरुण पवार के साथ वहाँ पे कलेश हो गया था सर्विस के नाम पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहता है। भाई इनसे परमिशन भी ले लिया मैंने कि कहीं इनको कोई तकलीफ ना हो ना वीडियो बनाने में, क्योंकि आज ही सुबह मुझे पता चला कि महिंद्रा में अरुण पवार भाई के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो इन्होंने तो बोल दिया बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। ऐसा सर्विस में कोई भी सीक्रेट रेसिपी या सीक्रेट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो लोगों को पता नहीं होनी चाहिए, या पता चल जाए तो कोई तकलीफ है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपकी गाड़ी की सर्विस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर कंपनी सही है, सब कुछ सही है, तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए भाई। तकलीफ किस बात की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तभी वही लोग इश्यू करते हैं ना कि रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि रिकॉर्ड करने से बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। चलो अपनी गाड़ी अंदर आती है, फिर अपन जाते हैं गाड़ी के पास, और क्या क्या काम आज होएगा 50,000 की सर्विस पे वो आपको दिखाएंगे। नीचे से भाई इंस्पेक्शन कर लिया भाई साहब ने पूरा, और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मतलब यहाँ पे इस पर भी कोई कवर नहीं है ना, ये जो पाइपलाइन जा रही है इस पर भी कोई कवर नहीं है। तो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे इसको ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कोई पत्थर या कोई चीज़ इससे लग गई तो फूट जाएगी। सर जो सर्विस वाले हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं कि आज तक उनके पास कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं आई जो नीचे से टच हुई हो, पर उन्हें अभी पता नहीं है कि हम लोग किन एक्सट्रीम कंडीशंस में कहाँ पे जाते हैं। ऑयल का नट भाई, यहाँ पे ऑयल का नट होता है। ये ऊपर से फिल्टर खोला होगा वो उसका है ना, ये 4 mm तो माल बच रहा है भाई अभी टायरों में, अभी तो चलेंगे मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार किलोमीटर और चल जाएंगे, बाकी पंचर इनमें खूबी हो गए दबा के। ये देखो यहाँ पे पंचर हुए भाई, अगर पंचर नहीं हुए अभी तो चला देंगे इनको 20,000 किलोमीटर तो कम से कम। ऑयल डाल दिया भाई, एयर फिल्टर क्लीन करके लगवा रहे हैं, विंडशील्ड वाइपर में वॉशर डाल दिया, वो तो खैर ठीक है 60 रुपये का, उसमें क्या ही बोले, डाल दिया तो ठीक है। ऑयल भी भाई लोग 200 लीटर के ड्रम से निकाल के तब 3.8 लीटर डालते हैं, अलग से पैकिंग वाला नहीं डालते हैं। 200 लीटर का सस्ता पड़ता होगा खैर इनको, और MRP का भी कलेश नहीं रहेगा ना उसमें। ये बल्ब खराब था भाई ब्रेक का,
इसलिए जब हम इंडिकेटर देते थे ना तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। जिस साइड का बल्ब खराब था ना लेफ्ट साइड का, तो उस साइड में जब अपन इंडिकेटर देते थे तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती थी, टक 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 टक। अब शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी बल्ब चेंज करने से। ये भाई बैटरी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, आइडल इंजन पे लोड डाल के और स्टार्टिंग पे अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और चार्जिंग प्रॉपर है कि नहीं, यही सिस्टम चेक हो रहा है ना। ये एक अच्छा फैसिलिटी है, मतलब नॉर्मली अपन बाहर जब जाते हैं सर्विस कराने तो तेल पानी चेंज करा लेते हैं, बट ये सब चीज़ें चेक नहीं हो पाती है। कंपनी में ये एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप कंपनी से अगर कराते हो तो ये चीज़ें भी चेक हो जाती है। तो भाई दीपक भाई को दे दिया है 10 में से 10, और केएस फोर्ड को भी दे दिया है 10 में से 10। अब निकलेंगे यहाँ से, और सर्विस हो गई है पूरी एकदम परफेक्ट, वॉशिंग भी बढ़िया 10 में से 10। घर जाके लंच करके और फिर जाएंगे एथर लेने। क्या निकला है? भाई पुलाव में ना जो लेडीज लोग ये डालते हैं ना साबुत इलायची, उनके लिए एक सलाह है कि मुंह में अगर फट जाती है ना तो सारे पुलाव का स्वाद बिगड़ जाता है। इसको डालने से स्वाद कोई बढ़ता तो है नहीं, तो कृपया करके इसको अवॉइड करें डालना। तो भाई लंच करके अभी आ गए हैं इधर पे, राघव का स्कूटर लेना है। राघव कौन से कलर का लिया? ब्लैक कलर का लिया भाई ने, ग्रे दिखाता हूँ आपको। इधर ये है भाई इधर का इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैंने तो खूब मना करी थी लेकिन राघव को तो राघव के दादू ने दिला ही दिया। मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं था इसको अभी स्कूटर दिलाया जाए, क्योंकि एक तो इसके लिए चाहिए लाइसेंस और इसके लाइसेंस की एज हुई नहीं है अभी, लेकिन दादू ने दिलाया, कोई बात नहीं अपने आप सुलटेंगे। आवाज़ किस में से आ रही है? अच्छा बैक भी होती है। चल आगे निकाल दे वहां तक। भाई सारे काम करके घर आ गया हूँ, और फोर्ड वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो फोर्ड सर्विस सेंटर में जो लोग भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 10 में से 10 नंबर फोर्ड सर्विस सेंटर को, और प्लीज़ आप लोग सब सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।